यूपी में चला नया नारा, हाकिम व्यस्त, बिल्डर्स मस्त, उपभोक्ता पस्त। रेरा दफ्तर में धूल फांक रही है हजारों फाइलें, उपभोक्ता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, न्यूज़ बॉटम में आपका स्वागत है। और आज शुक्रवार है, इस न्यूज़ बॉटम का ये जो हफ्ता है वो आखिरी दिन है और इसके बाद हम फिर सोमवार को आपके समक्ष कुछ खबरें लेकर आएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। आज की जो समीक्षा है, आज जो खबरें उठाई हैं हम लोगों ने, ये बहुत तकलीफ़ देने वाली है जो पहली खबर है। और आज ये भी कह दूँ कि जो तीन खबरें हमारे पास आज समीक्षा के लिए हैं, उसकी समीक्षा में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो पहली खबर है वो आपको भी पीड़ा पहुंचाएगी और मुझको भी पीड़ा पहुंचा रही है। मैं जब उस खबर को बार बार पढ़ रहा हूं और उसमें तलाश रहा हूं कि इसमें समीक्षा क्या हो सकती है, इस खबर का पोस्टमार्टम क्या हो सकता है। तो ये जो है, ये हम केवल पत्रकार नहीं होते, हम एक नागरिक भी होते हैं, एक मानव भी होते हैं, और मानव का हृदय होता है और वो हृदय बहुत परेशान करता है। और उस परेशानी को हम केवल आज आपके समक्ष रखते हैं, उसको शेयर करते हैं, इसलिए कि आप भी उतने ही परेशान होंगे। अलीगढ़ में जिस तरह से एक बच्ची के साथ जो उसको मारा गया, वो मारा जाना एक अलग बात है, मारे जाने के साथ साथ जिस तरह से उस बच्ची के साथ, उसके शव के साथ जघन्य आचरण हुआ, यह इसके बारे में क्या समीक्षा करें। आप मेरे सामने वो खबर रखी है और मैं बहुत ही अजीब तरह की मानसिक दशा में हूँ। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये शायद खबर की समीक्षा का ही यह भाव है कि मेरी जो मानसिक दशा है वो मैं पूरा हूबहू उसको आपके समक्ष रख रहा हूं। यह न्यूज की समीक्षा का ही एक उत्पाद है। यह जो खबर अलीगढ़ में जिस बच्ची को मारा गया, उसको बिस्किट देने के लालच में बुलाया गया, उसकी हत्या कर दी गई, हत्यारों ने उस बच्ची की आंखें निकाल ली, उसके शरीर में तेजाब डालकर उसको गलाने की कोशिश की, उसको बोरे में रखा, बंद रखा, और मासूम की लाश को कचरे के इसमें डाल दिया ताकि वो कुत्ते और जानवर खा जाएं, ये जघन्य पता नहीं। हम कहते हैं ये कि भारतवर्ष की बड़ी संस्कृति है, ये किस तरह का संस्कार है। और मुझको ऐसा लगता है, मेरी ऐसी समीक्षा की जो दृष्टि है वो ये कहती है कि जो हम नहीं होते उसके बारे में पुरजोर बखानबाजी करते हैं। हम हृदयहीन हैं, इसलिए हम हृदयवान होने का एक नारा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप ये सोचिए कि वो जिन हत्यारों ने उस बच्ची की आंखें निकाली होंगी, वो किस तरह का व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति, उसे जानवर कहना शायद जानवर का अपमान होगा, वो जानवर भी नहीं है, वो अजीब तरह की बात कह सकते हैं उसके बारे में, जो असंसदीय भी होगी। और आप भावना से आप ये बात समझ सकते होंगे कि ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आप ये देखिए कि ऐसे लोगों के को आप जिस कैटेगरी में रखते हैं, इसी कैटेगरी में वो नेता और या वो वैसे लोग होते हैं जो फूहड़ किस्म का बयान देते हैं। आप ये सोचिए कि सूर्य प्रताप शाही का बयान, जबकि ये जो घटना हुई इस पर पूरा देश मरमाहत है, पूरे देश के तन बदन में आग लगी हुई है, जैसे आप समझ सकते हैं आपको कितनी पीड़ा हुई होगी आज अखबारों में यह खबर देखकर। आप जो हैं, इसके बारे में मैं समझता हूं कि छोटा सा एक ये भी पैकेज भी होगा, ये आप देख लें और उसके बाद हम लोग फिर बातचीत करते हैं थोड़ी सी। एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, मासूम के साथ हैवानियत की सारे हदें पार, समाज का दामन फिर हुआ कलंकित,
पहले कठुआ से शिमला और अब अलीगढ़। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हैवानियत के तांडव ने पूरी इंसानियत को ही शर्मसार करके रख दिया है। इस कलंकित कथा की शुरुआत तो लालच से हुई थी, लेकिन अंत लहू में सराबोर एक मासूम की लाश के साथ हुई। दरअसल अलीगढ़ के कस्बा टप्पल के मोहल्ला कानून गोयान में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा की 25 साल की बेटी ट्विंकल 30 मई को घर के बाहर खेलते खेलते लापता हो गई। घर वाले अपनी मुस्कुराहट की वजह को तलाशते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनके जिगर का टुकड़ा टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। लाश मिली तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैवानों की क्रूरता का आलम देखिए कि बिस्किट देने के बहाने बुलाकर मासूम की आंखें तक निकाल ली और उसके शरीर में तेजाब डालकर 3 दिन तक बोरे में भरकर घर में ही सड़ने के लिए रख दिया। बाद में हैवानों ने मासूम की लाश को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, जहां कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खाते रहे। मामले को हवा मिली तो पुलिस की आंखों तले सुरक्षित समाज की पट्टी हटी और SSP आकाश कुलहरी ने खुलासे के लिए टीम का गठन कर दिया। टीम ने मामले की विवेचना की तो पता चला कि इस पटकथा का मुख्य किरदार जाहिद और असलम फिर क्या था। पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पूछताछ हुई तो पता चला कि जाहिद का बच्ची के दादा कन्हैया लाल और चाचा कपिल से 10,000 रुपए का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर बदले की आग जाहिद के अंदर कुछ यूं जली कि उसने अपने दोस्त असलम के साथ मिलकर इस पूरी पटकथा को लिख डाला। 30 मई को जाहिद बिस्किट का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले आया, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर दुपट्टे से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और बचने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए, लेकिन आखिरकार उनके चेहरे बेनकाब हो गए। हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, 2 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग करके हमने जेल भेज दिया है और पुलिस एकदम इसमें गंभीर है और एकदम हम लोग इसमें NSA की भी कार्रवाई करेंगे और इसके अंदर हम लोग जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर समरी ट्रायल के लिए भी अपील करेंगे ताकि इनको जल्द से जल्द सजा। अब मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना को लेकर ट्वीट करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की, तो वहीं सत्ता में आसीन नेता उलूल जुलूल बयान देते दिखे। UP के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ऐसी घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या काफी घटी है और जहां कहीं भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं उनको कठोर दंड दिया जाता है। कुछ मानसिकता भी इसके साथ कठिन रहती है और उस मानसिकता का दुष्परिणाम है, इसके बारे में उन्हें सख्ती भी की जा रही है और इसके बारे में जागरूकता भी पैदा की। राजनीति का मुखौटा ओढ़कर नेता कुछ भी बोले, पुलिस भले ही सभी आरोपियों को सूली पर चढ़वा दे, लेकिन मासूम बच्ची की मौत ने एक कड़वा सच हमारे सामने लाकर रख दिया है और साथ ही बदलते समाज के लिए एक सवाल भी कि आखिर किस तरह के समाज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। आपने ये खबर देखी, आपको ये तकलीफ देह खबर है और इसके बारे में जैसा मैंने बताया कि समीक्षा की सारी दृष्टि जो है वो बहुत ही वेदना से भर जाती है। और आप उस SSP का बयान सुन रहे थे, ये आकाश कुलहरी, इनके बारे में बताया गया कि ये आकाश कुलहरी जो है वो कल देर रात तक पार्टी में व्यस्त थे और ठीक है, पार्टी करना उनका अपना ये है। और ये जो हत्या जैसा अपराध होता है, ये हत्या का अपराध लॉ एंड ऑर्डर वाले खेमे में या उस परिभाषा में आता नहीं, उस दायरे में आता नहीं, इसलिए कि हत्या कहीं भी किसी भी वक्त की जा सकती है, स्पर ऑफ द मोमेंट में भी की जा सकती है, वो एक अलग मसला है। हम हत्या की परिभाषा तय करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम ये तय करने के लिए बैठे हैं कि जब वो अपराधी पकड़ा गया और इसके बारे में बिल्कुल कन्फर्म है कि उस ये जो दोनों जो शैतान आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे थे, ये जो दिख रहे थे, और SSP जब कह रहे हैं NSA की कार्रवाई की जाएगी, ये किए जाएगी, उस समय योगी जी का डायलॉग समझ में आता है कि योगी जी जब कहते हैं ठोक दो तो ठोका क्यों नहीं। ये जो दोनों अपराधियों का जघन्य कृत्य है, उसमें इन दोनों को उठाकर सार्वजनिक जगह पर दिखाए जाने की जरूरत क्या थी। अगर पुलिस इस बात के लिए मुतमईन थी, घर के सारे लोग, जो बच्ची के पिता और परिवार के लोग जब इस बात के लिए कंफर्म थे कि इन दोनों ने मारा है, तो
तो इन दोनों को समाज के सामने में चेहरा दिखाने की जरूरत क्या थी? ये कोई हीरो थे जिसका चेहरा दिखा रहे थे? इसको ठोका क्यों नहीं? तो ये योगी जी हो या कोई भी राजनीतिक दल का नेता, ये ठोक दो और ठोक दो, ये सब सारे डायलॉग केवल जनता का वोट लेने के लिए होते हैं। और जहां असली बात होती है ठोक दो, वहां पर वो एनएसए और कानून की धाराएं बताने लगते हैं। ये बहुत ही निहायत ही अफसोसजनक बात है। और आपको ये लगेगा कि ये पत्रकार जो है ये किस तरह की बात कर रहे हैं, और ये पत्रकार जो है वो सही उचित तरह की बात कर रहे हैं कि समाज से इस तरह के जो घिनौने लोग हैं उनका अगर एनिलेशन नहीं होगा कानूनन तरीके से, मुख्यमंत्री ने कानूनन तरीके से ही तो कहा ठोक दो, तो हम तो केवल उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उस जो मुख्यमंत्री का जो संवाद था उसे कारगर जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं। आप उस बच्ची के परिवार की तरह अगर सोचें, उस बच्ची के पिता की तरह, उस बच्ची की मां की तरह, उसने किस तरह से उसकी लाश देखी होगी, किस तरह से उसकी कल्पनाओं में यह बात रही होगी कि किस तरह से बच्ची को उसके मारा गया होगा, आंखें निकाली गई होंगी। यह अत्यंत दुख की बात है। और आपने जो क्लिपिंग देखी, खबर देखी, उसमें जो ये जो सूर्य प्रताप शाही बड़े कद्दावर मंत्री हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो उनका पूरा डायलॉग आप सुन नहीं पाए। वो पहले कहते हैं कि ऐसा होता ही रहता है, पहले कहते हैं तूल नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन वो जो अभी रिकॉर्डिंग आपने देखी वो वहां से देखी कि ऐसी घटना तो होती रहती है। अरे भाई, ऐसी घटना होती रहती तो आप क्यों बैठे हैं? और आप अगर कह रहे हैं कि ऐसी घटना होती रहती है तो ऐसी घटनाओं पर इस्तीफा भी होना चाहिए। और इस तरह से नेतागिरी दिखाने का और बिना सोचे समझे वक्तव्य जारी करने का, ये जो है, आप जो लोग मर्माहत हैं, जो परिवार के दुखी सदस्य हैं, उनके साथ बैठिए, उनके जख्म पर मरहम लगाइए, और अपराधी फांसी के तख्त तक पहुंचे, वो मारा जाए, इस बात की व्यवस्था करिए, अभियोजन को इतना मजबूत करिए, और ये ठोक दो और ठोक दो ये इस तरह के डायलॉग मत बोलिए। और जनता अगर वोट देती है तो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरिए, क्योंकि चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है, यह चुनाव फिर आने वाला है, तो इस तरह की गतिविधियां बंद होनी चाहिए। और इस तरह की गतिविधियां बंद होनी चाहिए यह कहता हुआ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि जिसके साथ ऐसा हो चुका वो क्या समझेगा कि आगे अच्छा होगा। तो इस वेदना के साथ ये पहली खबर का जो भी भाव था, समीक्षा का भाव मेरे पास था, वो मैंने आपके पास रखा, और उस पर मैं कायम हूं कि ये जो दोनों लोग पकड़े गए, जो दोनों अपराधी पकड़े गए, उनको समाज के सामने लाने की जरूरत नहीं थी, मुख्यमंत्री की भाषा में उन्हें ठोक देने की जरूरत थी। इस बात पर ये जब मैं कहता हूं तो इस बात पर मैं कायम हूं कि मैं सोच समझ कर कहता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप भी थोड़ा सा, आपका भी मूड थोड़ा गर्म खराब हो गया होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटते हैं, दूसरी खबर पर बात करते हैं।